अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 8 में या 9 में शायद हमने डिस्कस किया था, नॉमिनिक्लेचर डिस्कस किया था हमने। ये हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, नेमिंग हमें मिली हुई थी, इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था और नेमिंग भी की थी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसके आगे का डिस्कस करने लगे, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे रह गए थे। क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। हमने ये सारे जो है वो स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। अगर किसी ने देखना है कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए थे, अगर कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको ये सारा नॉमिनिक्लेचर मिल जाएगा अच्छी तरह से, डिस्कशन के साथ पूरी अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी। सो लेट स्टार्ट 3-heptene। सो अभी जो हमें मिला हुआ है एक जो है वो कंपाउंड है, उसका नाम है 3-heptene। इसकी हमने क्या करनी है, नेमिंग करनी है। हेप्ट से मुझे पता चला कि ये कितने कार्बन का है, जी बिल्कुल 7 कार्बन का है। ई एन ई से मुझे पता चला कि इसमें क्या है, ये अल्कीन फैमिली का है, एक जगह डबल बॉन्ड है, वो एक जगह कहाँ है, 3 पर है। सो आइए सिंपली बना देते हैं इसको। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 7 जो है वो क्या बनाने हैं, हमने कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में कार्बन बना चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है, 3 पे, ये 1 2 3 3 पे क्या करना है, टीन, डबल ई, ई एन ई मीन्स अल्कीन फैमिली के डबल बॉन्ड बनाने हैं मैंने। ये डबल बॉन्ड बना दिए, अब बैलेंस ही पूरी कर देते हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड इस वाले के साथ बनाएगा, बाकी इसके 3 बॉन्ड रह गए, तो H3 लिख देते हैं। ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक इस वाले के साथ बना रहा है, बाकी 2 बॉन्ड रह गए इसके, तो H2 लिख लेते हैं। ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक इसके साथ बना रहा है, तो इसकी एक हाइड्रोजन रहेगी। वैसे तो मैं यहाँ लिखती लेकिन अभी जगह नहीं है, तो मैं इसकी हाइड्रोजन एक यूँ लगा देती हूँ। ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, बाकी इसकी H1 रह गई है, वो यहाँ बना देते हैं। एक कार्बन ये जो है हमारे पास एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, 2 बॉन्ड इसकी रह गई, वो बना दी हमने। ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, बाकी 2 रह गई, वो यहाँ लिख दी। ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, 3 बॉन्ड इसकी रह गई, वो हमने लगा दी। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है 3-heptene का। ये भी बहुत थोड़ा सा जो है वो मतलब ऐसा बना है जैसे कि थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा क्लीन बनाएं। ठीक है, सो अब है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 3-ethyl-2-methyl-pentane का। वाह भाई वाह, थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है। पहले जो हमने किए थे वो थोड़े से सिंपल थे, ये थोड़ा सा चेंज लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी की बात ये है कि यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये पेंट मीन्स 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। सो पहले सिंपली 5 कार्बन बना देते हैं। ठीक है, सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सिंपली 5 कार्बन मैंने बना दिए हैं। सो अब मुझे ये पता चला ए एन ई को देखकर कि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, दैट मीन्स सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। अब कह रहे हैं कि 3 पर जो है वो इथाइल अटैच है, 2 पर जो है वो मिथाइल अटैच है। ये है हमारे पास 2, इस पर क्या है, मिथाइल अटैच है, और ये है हमारे पास 3, इस पर क्या है, इथाइल अटैच है। कैसे, C2H5 इथाइल आ गया। अब सिंपली हमने क्या कर देनी है, इसकी बॉन्डिंग पूरी कर देनी है। ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, बाकी इसको चाहिए 3 बॉन्ड, ये इसके 3 बॉन्ड बन गए। ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, बाकी इसको एक हाइड्रोजन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, दूसरा बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, इसको और दे दिया। सो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है इस वाले कार्बन के साथ, एक इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा, बाकी 2 चाहिए, वो भी बन गई। सो सिंपली ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, बाकी 3 चाहिए इसे, तो ये हमारे पास का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि पहले मैं लगाती CH2, फिर लगाती मैं CH3 बॉन्ड लगा के, इस तरह से भी लिख सकते थे, ये 2 है सही है, इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि जगह भी कम थी, क्योंकि जैसा हमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिया हुआ है, डायरेक्ट इथाइल लिखा हुआ है, सो मैंने डायरेक्ट ही लिखना पसंद किया। वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आपको ज़्यादा ईजी लगे, जैसे आपको ज़्यादा आसानी हो, वैसे आप लोग कर सकते हैं। सो इट्स 4-hexene-1-iene, भाई ये भी थोड़ा सा टिपिकल सा है, लेकिन कोई बात नहीं।
आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? फ्री ऑनलाइन कोचिंग पे, और वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान मिलेगी आप लोगों को। हेक्सीन से पता चला ये 6 कार्बन वाला है, सिंपली कार्बन बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है कि 4 पर ईन है, मीन्स डबल बॉन्ड 4 पर है, 1, 2, 3, ये 4 आ गया, इस पर डबल बॉन्ड लगा दी। और 1 पर क्या है? आयन है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दी। अब ये कार्बन तो क्या हुआ, अब ये जो हमारे पास कार्बन है ये 3 बॉन्ड इसने यहाँ बना लिए, अब एक मुझे और बना दी, सही है। तो हमने सिंपली इसकी ये बॉन्ड एक इस तरह से लगा दी क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची। अब एक ये कार्बन है 3 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन के साथ, सही है। ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, बाकी 2 चाहिए इसे तो 2 हाइड्रोजन दे दी। ये कार्बन एक बॉन्ड 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, बाकी इसको एक और चाहिए, सो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ। ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, तो इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए। ये भी आप लोग इसी तरह से लिखिएगा थोड़ा नीट एंड क्लीन करके। ये कार्बन एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 इसके साथ बनाएगा, तो पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, 4-hexene-1-hexyne का। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा क्लियर क्लियर लिखें। अब हमारे पास ये लास्ट स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है 1,3-pentadiene का। पेंटा का मतलब होता है 5 कार्बन वाला, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसने बोला है कि 1,3 पर क्या है, डाई आइन है, मीन्स 1 पे और 3 पर डाई आइन है, ठीक है। अब वैलेंसी पूरी कर देते हैं, ये कार्बन इसके साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए, दे दिया। ये कार्बन 3 यहाँ बना रहा है, एक इसको दे दिया, इसके साथ बनाएगा तो 4 बॉन्ड हो गई। ये इसके साथ 3 बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, पूरी 4 बॉन्ड हो गई। ये कार्बन 3 इसके साथ बना रहा है और इसको क्या चाहिए, एक और बॉन्ड चाहिए, तो हमने वो इसे दे दी। या हम डायरेक्ट इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, ये इस कार्बन के साथ बनाएगा, फिर ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है तो बाकी 3 बॉन्ड इसे चाहिए, 3 बॉन्ड पूरी हो गई। ये 5 हमारे पास कार्बन है, तो 1 पर और 3 पर क्या है, डाई आइन है, और सिंपली वैलेंसी पूरी करके हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।